सो गाइज रियलमी एक्स टू प्रो ये डिवाइस जो है रियलमी की तरफ से एक फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है जो कि डायरेक्टली टक्कर देगा रेडमी के 20 प्रो को जो कि इस वक्त जो है 25,000 रुपीस के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये जो डिवाइस होगा काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आने वाला है एक्स टू प्रो, और इसका जो नाम है वो चाइना के अंदर जो रियलमी के प्रोडक्ट डायरेक्टर है उन्होंने पोस्ट के दौरान जिस फोन से पोस्ट किया था उसका नाम रियलमी एक्स टू प्रो बताया जा रहा था। तो हो सकता है कि इस डिवाइस का नाम जो है रियलमी एक्स टू प्रो रखा जाए। साथ ही में ये जो डिवाइस है काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आने वाला है, तो चलिए सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस की फ्रंट की साइड यानी कि इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर जो आपको सुपर एमोलेड वाला पैनल देखने को मिल सकता है जो कि 6.55 इंच की स्क्रीन साइज के साथ में आ सकता है। साथ ही में जो डिवाइस होगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को जो है सपोर्ट करने वाला है। अब इस डिवाइस के अंदर प्रोटेक्शन के नाम पर गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल सकती है फ्रंट की साइड में, और बैक की साइड में आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल सकती है। और फ्रेम जो होगा इस डिवाइस का वो एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा, तो ऐसे में बिल्ड क्वालिटी और स्क्रीन काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस की चिपसेट को लेकर, तो सबको पता है कि इसके अंदर जो है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला देखने को मिल सकता है, लेकिन रूमर ऐसा भी मान रहे थे कि स्नैपड्रैगन 855 आएगा, लेकिन दोनों में से कोई भी आ जाए दोनों की परफॉर्मेंस जो है टॉप नॉच ही देखने को मिलेगी और आपको गेमिंग भी काफ़ी ईजिली करवा देगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कैमरा सेंसर्स को लेकर, तो यहाँ पर जो आपको क्वाड कैमरा सेटअप बैक की साइड में देखने को मिल सकता है जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा हो सकता है। इसके अलावा आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और टेलीफोटो जूम लेंस तक भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें फ्रंट की साइड में, तो यहाँ पर आपको जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल सकता है जो कि 32 मेगापिक्सल वाले सेंसर के साथ में आने वाला है। तो ऐसे में इस डिवाइस के कैमरा सेंसर भी काफी अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा बैटरी को लेकर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो है 4000 mAh तक की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल सकता है जो कि 30 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा टाइप सी का कनेक्टर भी देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में इसकी जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो भी काफी सही रहने वाला है और आपको काफी अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स को लेकर यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर, तो वो भी आपको अंडर डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा जो कि ऑप्टिकल वाला सेंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस की प्राइसिंग को लेकर, तो इस डिवाइस की जो प्राइसिंग है इंडिया के अंदर लगभग से 20,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपीज के बीच में रह सकती है।